हम बात करने जा रहे हैं विद्यार्थी स्टूडेंट लाइफ पे। स्टूडेंट को बहुत सारी परेशानियां आती हैं। स्टूडेंट सोचता है कि मैं कैसे तरक्की करूं, कैसे पढ़ाई करूं, कैसे गेम खेलूं, पढ़ाई और गेम में कैसे तालमेल रखूं। ये स्टूडेंट में आम बातचीत होती रहती है। आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि याददाश्त शक्ति इतनी हो, आप जो पढ़ें वो आपके दिमाग में फिट हो जाए, तो इसके लिए हम आपको काफी टिप्स देंगे। सबसे पहला टिप्स ये है कि जब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ते समय आपका ध्यान एकाग्र होना बहुत जरूरी है। जिस तरह एक कहावत है हमारे यहां, अर्जुन ने सिर्फ और सिर्फ आंख पे फोकस किया था, उसी तरह जब आप पढ़ने बैठो तो आपका फोकस सिर्फ स्टडी पे होना चाहिए, चाहे वो आप 2 घंटे 3 घंटे जितना भी आप करना चाहे। तो ये फोकस सेट कैसे होगा, यानी एकाग्रता कैसे आएगी? पढ़ने से पहले आप सिर्फ 5 मिनट मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए। गुरु मंत्र का जाप, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन सिर्फ 5 मिनट, और फिर पानी पी के थोड़ा सा घूमे और बैठ जाएं पढ़ने के लिए। अब जब आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप लिख के पढ़ें या फिर पढ़ते समय एक फार्मूला है आपका या कोई क्वेश्चन है आपका और उसका आंसर है, क्वेश्चन लिख लो, आंसर लिख लो, और फिर अपनी आंखों को पूरा फोकस करो, उनकी आंखें बंद कर लो, दिमाग में सोचो कि वो आपके आगे एक इमेज बनती है या नहीं, नहीं तो फिर खोलो, फिर उसको देखो, पूरा फोकस करो, फिर आंखें बंद करो, इमेज आई, नहीं फिर खोलो, तो तीसरी बार आंखें बंद करते ही वो इमेज आपके सामने आ जाएगी, उस इमेज को देखो और माइंड में फिट कर लो। यकीन मानो, लिखना और ऐसे इमेज अंदर फिट करने से आपकी याददाश्त बहुत बढ़िया हो जाएगी, वो सवाल वो क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएगा विद आंसर विद उत्तर, यानी प्रश्न उत्तर इकट्ठे फिट हो गए, और जब भी कभी वो प्रश्न आएगा तो आपकी मेमोरी में से माइंड आपको निकाल के दे देगा। तो मेमोरी में फिट करना है। पढ़ाई में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास बड़ी है, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, या डिग्री डिप्लोमे कर रहे हैं आप, डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, MBA है, PhD है, और या फिर आप MBBS है, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो कई बार होता है स्टडी जो है वो 8-8 घंटे करनी पड़ती है। इस बीच में आपका ध्यान गड़बड़ हो जाता है, आप टेंशन में आ जाते हैं, ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, स्टडी बोरिंग लगने लगती है। अगर आपका मकान ऐसी जगह है, यहां से नेचर कुदरत को आप देख सकते हैं, यानी पेड़ पौधे हों या दूर दूर तक आप निगाह दौड़ाएं, कोई जंगलात हो, समुंदर हो, कोई ऐसी जगह, या फिर आपकी इंटरेस्टिंग की कोई चीज जिसे आप पढ़ लें, थोड़ा देख लें, घूमें। अगर रात का समय है तो बड़ा आसान है, आप मकान के ऊपर जाइए, या आपकी खिड़की में से दिख रहा है तो चंद्रमा देखिए, तारे देखिए, आसमान देख लीजिए, कुछ देर के लिए पानी पीजिए, फिर से वो 5 मिनट मेथड ऑफ मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा फिर आसमान को या कुदरत को देख के, प्रकृति को देख के फिर से पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेट वापिस आ जाएगा और जो भी आप पढ़ेंगे वो आपकी मेमोरी में फिट होता जाएगा। कई बार होता है कि सुबह की जो स्टडी होती है वो सबसे बढ़िया होती है। सुबह अगर आप स्टडी करें
तो उसका मुकाबला नहीं है। सुबह स्टडी करने से इंसान के दिमाग में जल्दी फिट बैठती है, क्योंकि साइंस ये मान चुकी है जब आप सही टाइम पे रात को खाना खाएं, 8 बजे 9 बजे और सुबह 4 बजे जाग जाएं, 4:30 स्टडी करें नहा के फ्रेश वगैरह होके, और लगभग 6 बजे तक 6:30 बजे तक 2 घंटे भी अगर स्टडी करते छोटी क्लास में डेली करें ये काम, बाकी 24 घंटे में आपने जो करना है वो करते रहें, स्टडी कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो रोज के 2 घंटे जो हैं जब आप पढ़ने बैठो तो कोई और जिक्र नहीं होना चाहिए। इस तरह स्टडी करने से आपके दिमाग में अच्छी तरह से वो फिट बैठेगी। और अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं, तो भी बहुत जरूरी है कि सुबह का समय सबसे बढ़िया होता है, उस समय में ही स्टडी करें। 3 बजे 2 बजे उठ जाएं, 3 बजे से 2:30 बजे से शुरू करें और 7-8 बजे तक फिर चहलकदमी कर लें, घूम लें, खाना खा लें, लेकिन सोना जरूरी है। शाम का जो खाना है दिन रहते रहते खाइए, हम आपको गारंटी देते हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से भी बचेंगे, और शरीर स्वस्थ है तो आदमी की सोचने की शक्ति भी स्वस्थ होती है। कभी ऐसा नहीं होता कि शरीर अगर बीमार है तो दिमाग बहुत कुछ सोचेगा, ऐसा कभी नहीं होता, बल्कि ऐसा होने से इंसान को स्टडी में बहुत दिक्कतें आती हैं, क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, सोच साथ नहीं देती। तो सुबह आप पढ़ने बैठे पर उससे पहले जरूरी है आप अपनी नींद पूरी कर लें। नींद पूरी करना बहुत जरूरी है, और जैसे आपने दिन रहते रहते खाना खा लिया तब बैक्टीरिया वायरस बहुत कम होते हैं, और बैक्टीरिया वायरस नहीं होंगे तो जो आप खा रहे हैं वो अच्छे से आपके शरीर में लगेगा। शाम को 7 बजे आपने खा लिया, 8 बजे तक सोने जाएं, जरूरी नहीं है कि सीरियल उसी टाइम देखने, आपने जरूरी नहीं है कि आप फिल्म को उसी टाइम देखें, नहीं, उसको रिकॉर्डेड है कभी भी देख सकते हो। सो जाएं, 9 बजे तक आप सो गए और अब 3 बजे उठेंगे तो 6 घंटे आप सो गए तो ये सही है, या 4 बजे उठेंगे तो 7 घंटे सो गए, उसके बाद आप 6 घंटे स्टडी करें 10 बजे तक अगर बड़ी क्लास है आपकी, और उसके बाद फिर आप दिनचर्या में आप कहीं भी जा रहे हैं या आप कॉलेज जाते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं तो उससे अच्छा है, या फिर आप गेम अगर खेलते हैं तो वो जरूर खेलें। यकीन मानिए जब आप गेम खेलते हैं ना आपका माइंड फ्रेश होता है, इसलिए स्टडी और गेम दोनों किसी का नुकसान नहीं करते बल्कि फायदा करते हैं। जब आप स्टडी कर रहे हैं तो दिमाग फ्रेश है, और जब आप खेल रहे हैं तो बॉडी फ्रेश है।